गलती करती माँ, तूने गलती कर दी। अरे कुछ नहीं यार, रैंक पुश करते टाइम मम्मी ने वाईफाई बंद कर दिया। जिन लोगों को रैंपेज इवो बंडल पसंद था, गरेना ने उसे दे दिया। लेकिन अब बारी है बुया इवो बंडल लवर की, क्योंकि फाइनली यार अब बुया इवो बंडल का कंफर्म अपडेट मिल चुका है। ये एक गुड न्यूज है जो कि मैं तुम्हें आज की वीडियो में बताऊंगा। यही नहीं, बात करेंगे अपन लोग फ्री फायर एक्स रैग्नारोक 2.0 इवेंट की। होल ऑफ इनक्यूबेटर कब आएगा, कौन कौन से इनक्यूबेटर के बंडल रहेंगे, कितने डायमंड लगेंगे, A to Z बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। इवो M187 रिटर्न, जिसके रिगार्डिंग भी आप लोगों ने बहुत ही सारे कमेंट करे हैं, तो आज मैं तुम्हें इसकी कन्फर्म डेट भी बताऊंगा। इवेंट के साथ साथ मैंने बहुत ही सारे लकी कमेंट को पिक किया है, जिसका आंसर आपको इवेंट के साथ ही मिल जाएगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अच्छा। हाँ तो फ्रेंड्स, अच्छा हुआ। सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग एक न्यू कटाना की स्किन के बारे में। आप लोगों को पता होगा ये जो कटाना की स्किन है ना, वो अपने हॉर्स के थीम पे है, और हॉर्स के थीम पे तो बहुत सारे रिवॉर्ड है। न्यू फिस्ट की स्किन भी है, जिसके बारे में आप लोग मुझसे पूछते रहते हो। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो कटाना की स्किन है ना, वो बाहर के एक सर्वर में आ चुकी है, फेडल व्हील में। अपने इंडियन सर्वर के अंदर ये टोकन व्हील में आ सकती है, लेकिन बाहर के सर्वर में फेडल व्हील में आई हुई है। तो क्या पता आने वाले टाइम में गरेना अपने इंडियन सर्वर में इसे टोकन व्हील में ना देके दे दे फेडल व्हील में। ये यार हॉर्स के थीम पे बहुत सारे रिवॉर्ड है, मेरे ख्याल से भाई ओबी 42 अपडेट भी आ जाएगा, लेकिन ये हॉर्स वाले रिवॉर्ड नहीं आएंगे। लगता है घोड़ा कहीं चरने चला गया है घास फूस खाने के लिए। ऐसे क्या देख रहा है बे नल्ले, ब्रश किया कर, तेरे दांत पीले पीले है, देख ब्रश कर, तेरे बदबू आती है तेरे मुंह में से। भाई लोग, ये घोड़े वाले रिवॉर्ड गरेना ओबी 42 अपडेट के बाद ही देगा, क्योंकि इतने सारे पेंडिंग में पड़े हैं ना इवेंट की, यार तुम पूछ भी नहीं सकते। ऊपर से यार अपने फ्री फायर इंडिया का इतना काम आ चुका है कि गरेना सिर्फ इसके ऊपर ही फोकस कर रहा है। हमारे फ्री फायर इंडिया की वजह से भाई बहुत सारे इवेंट डिले हो चुके हैं। खैर, ये घोड़े वाला इवेंट अगर कन्फर्म हो जाता है आने वाले टाइम में, तो मैं आपको बता दूंगा, तो चैनल पे बने रहना। एक भाई ने कमेंट करा है, इवो कटाना कब आएगा प्लीज बता दो। इवो कटाना का अपडेट जानने से पहले अपन लोग डेमोन स्लेयर इवेंट का अपडेट जान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इवो कटाना इससे कनेक्टेड हो। तो गैस, बाहर के एक दो सर्वर के अंदर नहीं, मोस्ट ऑफ सारे सर्वर के अंदर आने वाले 26 सितंबर से डेमोन स्लेयर कोलैबोरेशन इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। ये पोस्टर ऑफिशियली पोस्टर है, और ऊपर आप लोग कोने में देखोगे ना, तो यहाँ पे गाइस बुया डे भी लिखा हुआ है। 26 सितंबर के आसपास अपने इंडियन सर्वर में भी डेमोन स्लेयर कोलैबोरेशन इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, और हो सकता है कि इसके एक दो दिन बाद इसके साथ में बुयांटी इवेंट भी स्टार्ट हो जाए। अगर आपको नहीं पता कि डेमोन स्लेयर इवेंट के अंदर से कौन से रिवॉर्ड फ्री मिलेंगे, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला ये वाला बंडल आपको 100% कन्फर्म फ्री में मिलने वाला है। फिर इसके बाद मिलेगी डेमोन स्लेयर कोलैबोरेशन इवेंट की एक मस्त सी ग्लोवल की स्किन, एक पैन की स्किन, और यहाँ पे गाइस टोटल दो मास्क है, जिनमें से एक मास्क फ्री में मिलेगा। लेकिन मास्क मिलने का चांस नहीं है, ठीक है, शायद ये डायमंड में आ सकते हैं। फिर यहाँ पे रहेगा गाइस अवतार, बैनर और कुछ नॉर्मल से रिवॉर्ड, जो कि इस इवेंट के अंदर से हमें फ्री मिलेंगे। बाकी के रिवॉर्ड जैसे कि बंडल और इमोट, ये गाइस आएंगे वेब इवेंट में, जहाँ पे आपको अपने डायमंड को लगाने पड़ेंगे। लेकिन ये इवेंट कैसा होगा, कौन सी डेट आएगी, ये अभी पता नहीं चला है। अगर कोई भी डेट वगैरह निकल के आती है तो मैं आपको बता दूंगा, तो चैनल पे बने रहना। इवो कटाना से रिलेटेड क्वेश्चन था कि इवो कटाना कब आएगा, तो देखो गाइस, अगर इवो कटाना अपने डेमोन स्लेयर कोलैबोरेशन के थीम पे रही, तो ये आपको डेमोन स्लेयर कोलैबोरेशन के दौरान ही देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर डेमोन स्लेयर कोलैबोरेशन के थीम पे नहीं होगी, तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि गरेना इसे थोड़ा सा डिले कर दे। डेमोन स्लेयर इवेंट इस मंथ के एंड में स्टार्ट हो रहा है, तो भाई डायरेक्ट तो कोई इवेंट नहीं आएगा, ठीक है, अपने नेक्स्ट मंथ को आएंगे, तो देखते हैं कि यार क्या होता है। लेकिन कोई अपडेट मिलती है तो मैं आपको बता दूंगा। वाह क्या सीन है। अब बात करते हैं अपने फ्री फायर एक्स रैग्नारोक 2.0 इवेंट के बारे में।
जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो के अंदर थोड़ी बहुत अपडेट आपको दिए थे। रैग्नारोक 2.0 इवेंट अपने गेम के अंदर OB42 अपडेट के बाद आएगा, जिसमें आपको टोटल 2 स्पेशल मोड देखने को मिलेंगे। पहले मोड का नाम रहेगा रैग्नारोक क्राउन और दूसरे मोड का नाम रहेगा रैग्नारोक हंट। रैग्नारोक 2.0 इवेंट के अंदर आपको एक मस्त सा टोकन व्हील देखने को मिलेगा, जिसके अंदर रहेंगे अपने रैग्नारोक 1.0 इवेंट के रिवॉर्ड। टोकन व्हील के अंदर एक मेल बंडल रहेगा और एक रहेगा फीमेल बंडल, और साथ में इसके अंदर अपना पोरिंग पेट भी रहेगा। पहले के टाइम के इवेंट के बंडल आप लोग देखोगे ना तो भाई आपको बंडल बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे, लेकिन यार अब क्या यार गर्न को हो गया है यार, बंडल कुछ अच्छे बना ही नहीं रहा है। खैर अगर बात करें इसके डेट के बारे में तो यार ये इवेंट है अपने OB42 अपडेट के बाद का, और यार अभी से इसकी डेट बताना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आप लोग ये बात को जान लो कि भाई OB42 अपडेट के बाद ये टोकन व्हील अपने रैग्नारोक इवेंट में आएगा। दो भाई लोगों ने कमेंट करा है फ्री फायर इंडिया न्यू इवेंट। देखो फ्री फायर इंडिया में तो भाई न्यू इवेंट तो काफी सारे आएंगे, लेकिन यार पहले अपना फ्री फायर इंडिया तो आ जाने दो, तब मैं आपको बता दूंगा। फिर एक भाई ने कमेंट करा है इवो M187 रिटर्न कब आएगी, प्लीज मेरा कमेंट ले लो भाई। जो भी लोग हमारी इवो M187 रिटर्न आने का वेट कर रहे हैं, उनके लिए एक मस्त सी गुड न्यूज है, और ये गुड न्यूज कंफर्म है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, कंफर्म है। बस आप लोगों को नेक्स्ट मंथ खत्म होने का वेट करना है, क्योंकि अपनी इवो M187 आने वाली है नवंबर मंथ में। गरेना ने इवो M187 को दिवाली स्पेशल रखा है, यानी गैस ये आएगी अपने दिवाली इवेंट में। अगर बात करें इसकी डेट की तो तुम लोग डेट को सेव करके रख लो, क्योंकि वापस तुम मुझसे पूछोगे कि भाई इवो M187 कब आएगी, तो जो मैं तुम्हें डेट बताना जा रहा हूँ उसे कहीं लिख लो या फिर सेव करके रख लो। इवो M187 की डेट रहेगी 3 नवंबर से लेके 5 नवंबर के बीच में, यानी इस डेट के बीच में आपको कंफर्म इवो M187 रिटर्न में देखने को मिल जाएगी। वाह क्या सीन है। और भी इवेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन टाइम हो चुका है अपनी फ्री फायर की एक गजब सी मीम देखने का। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जब मेरे दोस्त को एक बार कस्टम में हराने के बाद उसे वापस कस्टम करने को बोलो तब मेरा दोस्त क्या बाबूराव सुबह में ही मर गया यार राजू, उसको बोलते बाबूराव मेरा मामा नहीं है वो उसको भाई लोग अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जिसे कस्टम में एक बार हरा दो और वापस बनाने को बोलो तो उसकी हरकत कुछ ऐसी हो जाती है। आपको मेरी मीम अच्छी लगती है या फिर नहीं भाई कमेंट में बताओ, क्योंकि अगर आप लोग यार कमेंट करोगे ही नहीं तो भाई मैं मीम डालना ही बंद कर दूंगा, तो प्लीज कमेंट के अंदर बताया करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करें हमारे नेक्स्ट अपडेट की, तो एक भाई ने कमेंट करा है होल ऑफ इनक्यूबेटर पे टोटल कितने बंडल आ सकते हैं, एंड इवेंट टैप क्या हो सकता है, एंड दिवाली विश इवेंट कंफर्म बंडल प्लीज। दिवाली विश इवेंट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज के वीडियो के अंदर अपन लोग होल ऑफ इनक्यूबेटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो गाइस 17% चांस है कि अपना होल ऑफ इनक्यूबेटर ऐसा लक रोल टाइप का हो, लेकिन 30% चांस है कि अपने टोकन विलेज जैसा इवेंट हो। इस होल ऑफ इनक्यूबेटर के अंदर आपको टोटल 10 इनक्यूबेटर के बंडल रिटर्न में देखने को मिलेंगे। लेकिन गाइस ये इनक्यूबेटर गरेना ऐसे ही नहीं डाल देगा, इसके लिए हमसे गरेना एक वोटिंग करवाएगा, और वोटिंग में कौन से बंडल रहेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। रही बात की कितने डायमंड लगेंगे, तो आपको भाई कम से कम 2000 से लेके 3000 डायमंड बचा के रखने हैं, और इसकी डेट रहेगी 25 दिसंबर। यार अभी तो बहुत ही ज्यादा देर है, ठीक है, तब तक तो भाई बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। होल ऑफ इनक्यूबेटर से रिलेटेड काफी सारी और भी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल बात करते हैं अपने मोस्ट डिमांडिंग इवेंट की। एक भाई ने पूछा है बुया डे इवो बंडल कब आएगा, और यहाँ पे नीचे दूसरे भाई ने पूछा है आई थिंक इसने कहा है ब्रो बुया डे इवो बंडल अकॉर्डिंग टू लीक्स नेक्स्ट मंथ के 2ND वीक में आएगा,
मैंने देख लिया, अभी आपका सजेशन दो। हाँ गाइस, ये बात सही है, अपना बुयाडे इवो बंडल नेक्स्ट मंथ के 2 एंडी वीक में आएगा। यानी यार आपको हमारे नेक्स्ट अक्टूबर मंथ के दूसरे वीक के अंदर इवो बुया बंडल रिटर्न में देखने को मिल जाएगा। बुयाडे इवो बंडल रिटर्न आएगा 99% कंफर्म हो चुका है, लेकिन भाई 1% चांस अभी भी बाकी है। अगर थोड़ी सी कोई कंफर्म हिंट मिल जाए तो भाई मजा आ जाए। अभी तो इसकी कोई प्रॉपर डेट निकल के नहीं आई है, लेकिन आप लोग डायमंड को सेव करना, ठीक है, बचाना स्टार्ट कर दो अगर आपको इवो बुया बंडल निकालना है तो। अब यार आप लोग तो खुश हो गए, अगर आपको भाई मुझे खुश करना है तो यार इस वीडियो पे 1K लाइक कम्प्लीट करवा दो। एक भाई ने यार बहुत बड़ी कमेंट करी है, कमेंट ये है कि भाई कमेंट पढ़ लो, इम्पोर्टेंट है आपके लिए और मेरे लिए। यार टाइम पे वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो? तो भाई इसका आंसर है कि यार मैं बहुत ही ज्यादा आलसी हूँ, जो बोल रहा हूँ उस पे एक वीडियो बना दो 16 या 17 सितंबर को। नंबर 1 दिवाली विश इवेंट कवर, नंबर 2 M187 रिटर्न कन्फर्म, पक्का कन्फर्म, नंबर 3 नेक्स्ट इवो गन कौन सा है कन्फर्म बताओ। तो देखो भाई M187 के बारे में मैंने आपको अभी अपडेट दे दी, दिवाली विश की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दूंगा। और नेक्स्ट इवो गन रहेगी इवो ग्रोजा, जो अपने बुयाडे इवेंट में आ जाएगी। और हाँ, भूलना मत, हमें इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करने हैं, तो 1K लाइक कंप्लीट करवा दो। होल ऑफ इनक्यूबेटर के बारे में अगर तुम्हें सच में फुल डिटेल में जानना है, लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो। कौन सा इवो बंडल नेक्स्ट टाइम पे कब रिटर्न आएगा वो जानना है, राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो।